Good morning, class. Myself, Geeta Mishra. I am your class teacher. This is your rhymes period. Today, I am going to recite a rhyme. Jyotishi. आज हम कौन सी poem पढ़ेंगे? Jyotishi. Jyotishi कौन होता है? जो भविष्यवाणियां करता है कि क्या होने वाला है. उन्हें हम क्या बोलते हैं? Jyotishi. तो यहाँ पे Jyotishi कौन है? बंदर मामा. ये बंदर मामा है. इन्होंने अपनी मोटी सी ज्योतिषी वाली बुक ले ली है और ये जंगल में क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणियां कर रहे हैं. और ये कौन है? शेर. और ये खरगोश. दोनों क्या कर रहे हैं? पंजा लड़ा रहे हैं. और ये भालू है. भालू का क्या नाम है? चंपक. क्या नाम है? चंपक. अब हम लोग पोयम पढ़ते हैं, ठीक है? बंदर मामा बने ज्योतिषि, मोटी पुस्तक खोले, करने लगे भविष्यवाणियां, जंगल में यूं बोले, नए साल में चंपक भालू हो जाएगा गंजा. क्या हो जाएगा? गंजा. नन्हा सा खरगोश शेर से जमकर लड़ाएगा पंजा. फिर से पढ़ते हैं पोयम एक बार. बंदर मामा बने ज्योतिषि, मोटी पुस्तक खोले, करने लगे भविष्यवाणियां, जंगल में यूं बोले, नए साल में चंपक भालू हो जाएगा गंजा, नन्हा सा खरगोश शेर से जमकर लड़ाएगा पंजा. अब हम इस पोयम को एक्शन के थ्रू करेंगे, ओके? और आप भी पोयम को ऐसे ही एक्शन के थ्रू करके मुझे सेंड करेंगे, ओके? अब हम स्टार्ट करेंगे पोयम एक्शन के थ्रू करना. बंदर मामा बने ज्योतिषि, मोटी पुस्तक खोले, करने लगे भविष्यवाणियां, जंगल में यूं बोले, नए साल में चंपक भालू हो जाएगा गंजा, नन्हा सा खरगोश शेर से जमकर लड़ाएगा पंजा. ठीक है, ऐसे ही आपको भी पोयम को एक्शन के थ्रू करना है और लर्न करना है. थैंक यू.